दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के एक ऐसे क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करेंगे जो आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड में, यानी इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो में हम इस क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स, सारे एडवांटेजेस, इन सब के अलावा सबसे जरूरी चीज, कौन कौन से हिडन चार्जेस एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड हमसे चार्ज करता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इन सब के अलावा पूरी की पूरी वेबसाइट, यानी एक्सिस बैंक की जो वेबसाइट है, वहां पे इन्होंने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है छोटी, जो आपको दिखाई भी नहीं देती, यानी जब भी हम किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड के लिए, यानी किसी भी बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, तो बड़ा बड़ा उसका एडवांटेजेस, बड़े बड़े उसके फीचर्स, ये तो हमें सब कुछ दिखाई देता है, पहले और फ्रंट पेज पे दिखाई देता है, लेकिन जो छोटा छोटा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड की सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी देखेंगे, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये एनालाइज करेंगे कि क्या हमें एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर इसके कंपैरेटिवली हमें किसी दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये पूरा कंपैरिजन भी इस वीडियो के एंड में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें, तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड की बात करूं, तो ये क्रेडिट कार्ड सिंपली ये बोलता है कि आपको सबसे पहले एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड लेना है, उसके बाद आपको गूगल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। यानी ये एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड सिंपली ये बोलता है कि आप किसी भी बिल की पेमेंट करो, जैसे कि चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वाटर बिल हो, चाहे डीटीएच का रिचार्ज हो, चाहे मोबाइल का रिचार्ज हो, कोई भी बिल पेमेंट आप करो, सीधा सीधा आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन आपको जो पेमेंट करनी है वो करनी है गूगल पे से, यानी आपको पेमेंट करनी है एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड से, और जो पेमेंट का मोड है वो होना चाहिए गूगल पे, यानी किसी भी बिल की आप पेमेंट करो, सीधा सीधा आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड सिंपली ये भी बोलता है कि आपको 4% का कैशबैक मिलेगा अगर आप कोई भी ऑर्डर करते हो स्विगी पर, जोमैटो पर, इन सब के अलावा अगर आप ओला सर्विसेज को यूज करते हो, तो इनके ऊपर सीधा सीधा आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। इन सब के अलावा कोई भी दूसरी ट्रांजैक्शन करो, यानी इन ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो सीधा सीधा 2% का आपको कैशबैक मिलेगा। और इन सभी कैशबैक की अच्छी बात यह है कि इनके अंदर कोई भी आपको अपर लिमिट नहीं मिलेगी, जितनी मर्जी आप ट्रांजैक्शन करो उतना ही आपको कैशबैक मिलता जाएगा। इन सब के अलावा इसके एडिशनल बेनिफिट की बात करें, तो यहां पर आपको एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस भी मिलता है, यानी साल में 4 बार आपको एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिलता है। अब ये तो आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा इनके फ्रंट पेज पे, यानी जैसे ही आप एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड एंटर करोगे गूगल क्रोम पर जाकर, तो वहां पर आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा कि साल में 4 बार आपको एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिलता है। लेकिन जब आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन ओपन करोगे, तो वहां पर एक आपको लिस्ट दिखाई देगी सभी एयरपोर्ट्स की, यानी पूरे इंडिया में कौन कौन से एयरपोर्ट पर आपको एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिलता है, वो लिस्ट आपको दिखाई देगी। अब एक बार मैं आपको वो लिस्ट दिखाता हूं। अब इस लिस्ट के हिसाब से आपको सिर्फ लिमिटेड शहरों के एयरपोर्ट्स ही दिखाई देंगे जहां पर आप एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस ले सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चंडीगढ़ में रहता है, या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति अहमदाबाद में रहता है, तो ऐसे में ना तो यहां पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम है, ना ही अहमदाबाद एयरपोर्ट का नाम है। तो यहां पर एक चीज आपको ये जरूर देखनी होगी कि आपके शहर से जो भी एयरपोर्ट सबसे नजदीक है, क्या उस एयरपोर्ट पर आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवा रहा है। अगर तो करवा रहा है, तब तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड बेटर है, क्योंकि आपको तो इजीली एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके शहर के जो भी एयरपोर्ट सबसे नजदीक है, अगर मान लीजिए वहां पर आपको एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस ही नहीं मिल रहा, तो उस केस में फिर ये एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड हमारे किस काम का, यानी ये बेनिफिट तो हमारे लिए फिर यूजलेस हो गया। तो इस केस में मैं आपसे पर्सनली यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इसको एनालाइज करो कि आपका पर्पस क्या है। देखो, अगर आपका पर्पस ही है कि आपको ऑफ चाहिए स्विगी पर, जोमेटो पर, या फिर ओला सर्विसेज पर, तब आपके लिए बेस्ट है। या फिर मान लीजिए अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर कोई भी बिल की पेमेंट करनी है, उसमें आपको डिस्काउंट चाहिए, तब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आपके लिए क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक पर्पस देख रहे हो कि आपको एयरपोर्ट लॉन्च के एक्सेस चाहिए थे, बाद में पता चलता है कि आपके घर के नजदीक जो भी एयरपोर्ट है वहां पर एयरपोर्ट लॉन्च का आपको एक्सेस ही नहीं मिल रहा, तो फिर उस केस में ये हमारे लिए यूजलेस हो जाता है ये क्रेडिट कार्ड। तो ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। इन सब के अलावा इसके थर्ड बेनिफिट की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है। यानी अगर मान लीजिए आप ट्रांजैक्शन करते हो किसी भी पेट्रोल पंप पर जाकर 400 रुपए से लेकर के 4000 रुपए के बीच में, तो उस केस में आपको फिर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में जो आप वेवर ले सकते हो वो है 500 रुपए।
अब इसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर ये लोग सिंपली ये बोलते हैं कि आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा अगर आप इनके जो भी पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर अगर आप डाइनिंग करते हो तो उस केस में आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा। अब ये लोग बड़ा बड़ा लिखते हैं अपने मेन पेज पर कि इनके जो पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं वो पैन इंडिया हैं 4000 प्लस, यानी 4000 से भी ज़्यादा इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आप उनमें से किसी भी एक रेस्टोरेंट में जाके अगर आप डाइनिंग एंजॉय करते हो तो उस केस में आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा। ठीक है, जब हमने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को ओपन किया कि कौन कौन से रेस्टोरेंट के साथ इनके टाई अप है तो यहां पर आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग लगभग इनके 50 से लेकर के सिर्फ 100 रेस्टोरेंट्स के साथ ही टाई अप है, यानी इनके जो टाई अप है वो फ्रेंचाइजीज के साथ है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बेल्जियम वेफल के साथ इनका टाई अप है तो पैन इंडिया जितने भी शहर है वहां पर जितने भी बेल्जियम वेफल्स हैं वहां पर आपको ऑफ मिलेगा। यानी एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। अब एक उदाहरण के तौर पर जैसे सबसे पहले मैंने एक फिल्टर लगाया चंडीगढ़ का, तो यहाँ पे इनके जो पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं वो सिर्फ 4 रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें एक है शिकागो पिज़्ज़ा, एक है कॉफ़ी शॉप स्काईलाइट और एक है बेल्जियम वेफल। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो उसके बाद मैंने फिल्टर लगाया ग्रेटर नोएडा का, तो इस केस में भी दोबारा शिकागो पिज़्ज़ा आ गया और एक वाव मोमोज आ गया। इसके बाद जब हमने कोलकाता का फिल्टर लगाया तो यहाँ पे भी आपको फिर बेल्जियम वेफल दोबारा रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। यानी यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से बैंक ये तो रिप्रेजेंट कर देता है कि हमारे 4000 से ज़्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान देनी है आपको ये देखना है कि आपके शहर में, अगर मान लीजिए आप इस एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपके शहर में कितने ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनके साथ एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड का टाई अप है। अगर मान लीजिए आपके शहर में एक भी ऐसे रेस्टोरेंट नहीं है या फिर एक दो ऐसे रेस्टोरेंट है जिसमें आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो कभी भी डाइनिंग करने के लिए, तो फिर ऐसे केस में हमारे लिए फिर ये वाला बेनिफिट भी यूजलेस हो जाता है। इसके बाद एक बार हम एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो उस केस में बैंक के हिसाब से उसकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उसकी एज 70 ईयर्स होनी चाहिए अगर वो इस एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहता है। अब इन सब के अलावा कुछ ना कुछ फीस और चार्जेस भी होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड ले लिया और इसको मैंने यूज करना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन मान लीजिए किसी भी कारणवश मैं इस एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम पर नहीं करता। अब इस केस में एक्सिस बैंक सिंपली ये बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने इनका पैसा टाइम पर रीपे नहीं किया तो फिर ये लोग चार्ज करेंगे 3.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ पर, यानी 3.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ, यानी ये अराउंड बैठेगा आपका 52% पर ईयर। यानी आप मान के चलो कि कितनी ज्यादा पेनल्टी ये लोग इंपोज कर रहे हैं, यानी 52% पर ईयर की पेनल्टी ये लोग आपके ऊपर इंपोज करेंगे एज एन इंटरेस्ट चार्ज। अब ये इंटरेस्ट के अलावा ये आपके ऊपर लेट पेमेंट फीस भी इंपोज करेंगे अगर आप इनका पैसा टाइमली रीपे नहीं करते। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये लेट पेमेंट फीस कितनी इंपोज करते हैं। लेट पेमेंट फीस में एक्सिस बैंक सिंपली ये बोलते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति की ओवरड्यू पेमेंट 100 रुपए से 300 रुपए के बीच में पेंडिंग है तो उस केस में फिर ये लोग 100 रुपए पेनल्टी इंपोज करेंगे। ऐसी अगर आपने मान लीजिए 300 रुपए से 1000 रुपए की पेमेंट नहीं की टाइम पे तो आपके ऊपर फिर ये लोग 300 रुपए की लेट पेमेंट फीस लगाएंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी की पेमेंट 1000 रुपए से 500 रुपए के बीच में पेंडिंग है तो फिर ये लोग 500 रुपए पेनल्टी इंपोज करेंगे। और ऐसे ही मान लीजिए अगर किसी की पेमेंट 5000 से लेकर के 10000 के बीच में पेंडिंग है तो 600 रुपए की पेनल्टी, और अगर मान लीजिए 10000 से ज्यादा की पेमेंट पेंडिंग है तो फिर ये लोग 700 रुपए की पेनल्टी पर मंथ उस व्यक्ति के ऊपर इंपोज करेंगे। इन सब के अलावा अगर हम एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको ज्वाइनिंग फीस भी 499 रुपए पे करनी है और एनुअल फीस भी आपको 499 रुपए ही पे करनी है। अब इस केस में ज्वाइनिंग फीस आपकी वेव ऑफ हो सकती है अगर आप मान लीजिए जिस दिन भी आपके पास क्रेडिट कार्ड आएगा उससे 45 डेज के अंदर अंदर अगर आप 10000 रुपए की शॉपिंग कर लेते हो तो उस केस में आपके ऊपर कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगेगी। जो आपने ज्वाइनिंग फीस पे की है ये पूरी की पूरी अमाउंट यानी 499 रुपए आपके अकाउंट पे रिफंड हो जाएगी। ऐसे ही आपकी जो एनुअल फीस है ये भी पूरी की पूरी माफ हो सकती है अगर आप एक साल के अंदर अंदर 2,00,000 रुपए की शॉपिंग कर लेते हो तो उस केस में भी आपकी पूरी की पूरी एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाएगी। इन सब के अलावा फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस भी चार्ज की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए इंडिया में बैठ के मैं किसी भी दूसरी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं और उसकी पेमेंट करना चाहता हूं तो उस केस में मान लीजिए 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर मुझे 3.5% की फीस पे करनी होगी एक्सिस बैंक को। इसे हम बोलते हैं फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस। अब इन सब के अलावा एक बार हम इसे कंपेयर कर लेते हैं, यानी एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड को कंपेयर करते हैं कि इसके मुकाबले कौन सा दूसरा क्रेडिट कार्ड बेस्ट हो सकता है। देखो अब इस केस में एक है एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड, एक है एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। अब फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड क्या बोलता है कि आपको 5% का ऑफ मिलेगा अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट पर या मिंत्रा पर, ये इनका मेन फीचर है।
ऐसे ही एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड का मेन फीचर क्या है कि ये लोग आपको 5% डिस्काउंट देंगे अगर आप कोई भी बिल की पेमेंट करते हो, और 4% आपको ऑफ मिलेगा अगर आप स्विगी पे, जोमेटो पे या फिर ओला सर्विसेज को यूज करते हो। अब इन दोनों क्रेडिट कार्ड को आप मिला दो और एक क्रेडिट कार्ड आता है HDFC बैंक का, जिसका नाम है HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड सिंपली ये बोलता है कि आपको 5% का ऑफ मिलेगा, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करो, चाहे मिंत्रा पे शॉपिंग करो, इन सब के अलावा चाहे अमेजोन पे शॉपिंग करो, और चाहे आप स्विगी पे शॉपिंग करो या फिर जोमेटो पे करो। इस केस में आपको पूरी इन सभी ट्रांजेक्शन के ऊपर 5% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा आपको एक महीने में 1,000 रुपए का ही कैशबैक देते हैं। यानी इसे आप एक बार प्रैक्टिकली समझो, जब आप 20,000 रुपए की शॉपिंग करोगे तभी तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, यानी 1,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा, और 20,000 रुपए की शॉपिंग मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति हर महीने कर सकता। अगर आपको अनलिमिटेड शॉपिंग करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा फिर एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स बेटर है, लेकिन अगर आपकी शॉपिंग लिमिटेड है तो उस केस में फिर HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर है। बाकी उम्मीद करता हूं कि एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स आपको समझ आ गए होंगे। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।